अच्छा जी, ये मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो पिसा हुआ अदरक लहसुन इसके अंदर डाल दिया है। अब हम उसके बाद डालेंगे, अच्छा जी उसके बाद हम डालेंगे हल्दी करीब 1 चम्मच। ये हम 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे इसके अंदर और 2 चम्मचे जो है पिसा हुआ धनिया डालेंगे। ये पिसा हुआ धनिया चला गया और 1 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे। 1 चम्मच हमने इसके अंदर डाल दिया है ये लाल मिर्च, ठीक है, ये सब चीज़ें हमने डाल दी हैं। अच्छा उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो ये रायता था ये मेरे पास इसमें लगा हुआ है। अब ये मैं दही है मेरे पास जो मैं अभी लेकर आई हूँ, वो मेरे पास रायता कल का था, तो मैं इसके अंदर से आधी दही इसमें डाल दूँगी और बाकी का मैं रायता बना लूँगी दोबारा से, क्योंकि इसके साथ रायता बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए आधी दही, ये देखिए आधा पैक मैंने इसके अंदर से ऐसे करके ये निकाल दिया, बाकी आधे का रायता बन जाएगा। ये रही हमारी दही, ये देखिए अब हम इसको फेंट लेंगे। अच्छा जी, अब ये मैं जो हूँ वो दही को फेंट रही हूँ उसी रायते के साथ ही, कि वो हल्के से विक्स विक्स हो जाए ताकि वो जो एक मोटी मोटी सी दही नज़र आती है ना वो नहीं हो, वो फिटी हुई दही ज़रा अच्छी लगती है। जस्ट हल्के से हम विक्स कर लेंगे इसको और उसके बाद मैं ये सारी दही इसके अंदर डाल दूँगी और पोंछ लूँगी सारे। बहुत अच्छे से हम इसको पोंछ के, अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम इसको मिक्स करेंगे। जितना भी ये दही और ये मसाला है हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करके इस तरीके से मिक्स करना है। अच्छा ये मैंने चिकन में देखें कट्स लगाए हुए, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें चिकन में मैंने कट्स इसलिए लगाए ताकि मसाला जो है वो अंदर तक चिकन एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। ये हमने इसको लगा दिया है सारा मसाला, अब हम इसको 15 to 30 मिनट्स के लिए हम इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे। ये देखें ये मैंने जो है इसको मैरिनेशन के लिए रख दिया है। अच्छा जी, मेरी मैरिनेशन का टाइम पूरा हो गया, अब मैं ये वाले चमचे 2 ऑयल डाल दूँगी, 2 चमचे इस ऑयल के डालकर मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। अभी हम 2 चमचे डाल रहे हैं, उसके बाद अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम और भी डालेंगे। अच्छा जी, मैंने इसमें नमक नहीं डाला था, अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच भर के नहीं डालना है, बिल्कुल बराबर करके मैं नमक डाल दूँगी, ठीक है। अब नमक डाल के हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ताकि जो नमक ऊपर ऊपर है वो सब चीज़ों में मिक्स हो जाए, ठीक है। चमचा साफ कर लेंगे, ठीक है, ये चमचा हमने साफ कर लिया और जो देगची के कॉर्नर्स हैं उनको भी हम अच्छे से साफ कर लेंगे ताकि कोई भी चीज़ जले ना, ठीक। अब मैं इसको ढक के हल्की आंच पर रख दूंगी पकने के लिए। ये देखें हमारा सालन जो है वो रेडी हो गया है। अच्छा जब ये हो गया था तो ये हल्का सा भुना हुआ था, तो मैंने इसके अंदर 1/2 ग्लास पानी डाला है तो ये इस शक्ल का आ गया। अब जब मैं इसको डिश आउट करूँगी फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये है हमारी आज की डिश का मसाला चिकन का फाइनल लुक। होपफुली मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।